हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेसिकली देखा जाए तो। हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फेनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स एंड अमाइन्स, ये मेजर चैप्टर होते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो हमें अभी तक हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन्स हमने किया, एल्कोहल फेनॉल ईथर किया, अब एल्डिहाइड कीटोन्स नेक्स्ट चैप्टर। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स को होते हैं, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ इज द ग्रुप, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, इस कार्बन को कार्बोनिल कार्बन करते हैं, दिस इज डेल्टा प्लस, देयर इज डेल्टा माइनस, सो द डेवलपमेंट इज टुवर्ड्स ऑक्सीजन आटम। इस कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है। ऑक्सीजन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन को अप्रोच करेगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, डायपोलमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओवर हियर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे लिखें, कार्बन ऑक्सीजन माइनस ये ऑक्सीजन कार्बन प्लस, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है एंड दे आर न्यूक्लियोफाइल सीकर, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल सीकर है, ठीक है। इस कार्बन कंपाउंड्स में दो ग्रुप हो सकते हैं, फंक्शन ग्रुप, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। एल्डिहाइड को आप लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इस तरफ कोई भी ग्रुप लगा सकता है, ये आर अल्काइल हो सकता है, आर कोई एराइल हो सकता है, तो ये एराइल एल्डिहाइड एंड ये अल्काइल एल्डिहाइड। सिमिलरली अगर कीटोन हो तो कीटोन आर और आर सिमिलर हो सकते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन, और अगर दोनों साइड अगर डिफरेंट हो आर और आर डैश तो अनसिमेट्रिकल कीटोन। अगर ये फिनाइल ग्रुप लगा हो एक जगह पे और एक जगह पे आर तो इसको एराइल अल्काइल कीटोन बोलेंगे। अगर फिनाइल ग्रुप लगा है और सी डबल बॉन्ड ओ है तो ये फिनाइल ग्रुप, ठीक है, ये हम इसको सब्स्टिट्यूएंट भी ले सकते हैं और इसका नाम हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग चेन के साथ वन फिनाइल, दैट इज और टू ओन, ये पूरा ग्रुप अगर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटोफेनोन, ये पूरा ग्रुप एसिटोफेनोन। जैसा कि आप जानते हो कि चैप्टर्स को हम दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, दैट इज एक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और दूसरा उसके रिएक्शंस, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें फर्स्ट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो नेक्स्ट ऑक्सीडाइज स्टेट होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स और उसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्कोहल के रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के यूज करके कैसे कैसे हम एल्कोहल्स को एल्डिहाइड और कीटोन्स में या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसमें बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल वी कैन से कि प्राइमरी एल्कोहल अगर है तो ऑक्सीडाइज करेंगे किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो ऑक्सीडाइज करने से क्या बनेगा, एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड वेरी सेंसिटिव होता है ऑक्सीडेशन के लिए और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जा सकता है इजिली कार्बोक्सिलिक एसिड. डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, आप किस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो. अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कीटोन बनेगा, और कीटोन को अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो यू नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर जो उसको ऑक्सीडाइज करे, क्योंकि कीटोन में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है तब जाकर के वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड राइट विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो अगर ये ओपन चेन कीटोन है, ओपन चेन कीटोन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम. अगर यहां पे हमारा साइक्लिक कीटोन हो, साइक्लिक कीटोन में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने से भी एक एंड जुड़ा होता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास साइक्लिक कीटोन है या ओपन चेन कीटोन है. अगर ओपन चेन कीटोन है तो आप उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि वहां पे कार्बन और कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे और कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको बताया गया था पॉपऑफ्स रूल यूज करेंगे, उसको हम आगे करेंगे किस तरह से करते हैं. साइक्लिक कीटोन अगर है तो साइक्लिक कीटोन में दोनों एंड जुड़ा होता है, टाइम बैक अल्काइल ग्रुप होती है, इसलिए अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक भी किया जाए तो वो कार्बन कोई कार्बन चेन अलग नहीं होता और कार्बोक्सिलिक एसिड जो मिलेगा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम से मिलेगा. नेक्स्ट अगर देखा जाए थ्री डिग्री अल्कोहल लें, थ्री डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज कराएं, उसमें थ्री डिग्री अल्कोहल में कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते और इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती है, तो हम लिख सकते हैं नो रिएक्शन, नो ऑक्सीडेशन. थ्री डिग्री अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता. लेकिन अगर थ्री डिग्री अल्कोहल को हीट किया जाए तो हीट करने से वो डिहाइड्रेट कर सकता है और डिहाइड्रेट करेंगे तो अल्कीन बनेगा और अल्कीन से फर्दर ऑक्सीडाइजर यूज करके ऑक्सीडाइज कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड इन कीटोन्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड में. ठीक है, तो ये हम एक ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं एल्डिहाइड इन कीटोन्स बनाने के लिए अल्कोहल से, किस तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं. ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग मेटाथेसिस ऑलरेडी हम कर चुके थे अल्कोहल्स में. ठीक है, सो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज हाईली वल्नरेबल फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन एंड इजिली ऑक्सीडाइजेस टू कार्बोक्सिलिक एसिड. कीटोन अगर बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू कीटोन, कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना होता है, इसलिए इजिली ऑक्सीडेशन उसकी नहीं होती है. और उसको ऑक्सीडाइज अगर हम करना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर यूज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड अंडरगो क्लीवेज बाय द यूज ऑफ पॉपऑफ्स रूल. ठीक है, साइक्लिक कीटोन को अगर ऑक्सीडाइज करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम में, थ्री डिग्री अल्कोहल की कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगी. तो यहाँ पे क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए वो आप लिख सकते हैं. दैट इज फर्स्ट by the use of dichromate solution, by the use of dichromate solution, by the use of dichromate solution, primary alcohol gets converted to corresponding aldehyde, secondary alcohol to ketone, three degree alcohol no reaction, three degree alcohol no reaction. देखिए आपने फर्स्ट में लिखा हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन. सो बाय द यूज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2+7 इन एसिडिक मीडियम दैट इज H2SO4 एंड अपॉन इन बाय अप्लाइंग हीट, अपॉन हीटिंग क्या हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल लिया आपने, प्राइमरी अल्कोहल K2Cr2+7 के प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड मीडियम लिया और हीट लिया तो प्राइमरी अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड,
secondary alcohol gets oxidized to secondary alcohol by the use of same reagent gets oxidized to ketone. 3-degree alcohol, no reaction. 3-degree alcohol, no reaction. ठीक है. प्राइमरी अल्कोहल लेट्स हमने प्रोपेनॉल लिया. ओके इसको ऑक्सीडाइज किया तो प्रोपेनॉल बन गया. सेकेंडरी अल्कोहल हमने 2-प्रोपेनॉल लिया, इसको ऑक्सीडाइज किया, कीटोन बन गया. 3-डिग्री अल्कोहल टर्शियरी ब्यूटेनॉल लिया, यहां पे नो रिएक्शन, नो ऑक्सीडेशन. ओके प्राइमरी अल्कोहल अल्डी है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, 3-डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन. इस रिएक्शंस के लिए नोट लिखिए. नोट फर्स्ट पॉइंट, सिंस अल्डिहाइड इज very sensitive to further oxidation. Aldehyde is very sensitive to further oxidation. Which gets oxidized to carboxylic acid. Unless their over oxidation is not prevented. Hence, oxidation of primary alcohol is carried out. Hence, oxidation of primary alcohol is carried out in a distillation flask at a temperature above the boiling point. of desired aldehyde but below that of alcohol. As you know, the boiling point of aldehyde is second point. The boiling point of aldehyde is less than the boiling point of alcohol. And hence, at the boiling point of aldehyde, the formed aldehyde gets escaped out. Which prevents their further oxidation. ठीक है, which prevents their further oxidation. Okay, like for example. सपोज हमने प्रोपेनॉल लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, प्रोपेनॉल. प्रोपेनॉल को अगर K2Cr27 सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के आप हीट करते हो, कितना, 55 डिग्री सेल्सियस पे. तो 55 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा, प्रोपेनॉल बनेगा. जो प्रोपेनॉल बना है उसकी बॉइलिंग पॉइंट है 49 डिग्री सेल्सियस. जो प्रोपेनॉल बना है उसकी बॉइलिंग पॉइंट है 49 डिग्री सेल्सियस.
जबकि प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 97 डिग्री सेल्सियस, इसके बॉइलिंग पॉइंट है 97 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 97 डिग्री सेल्सियस जो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट है, हमने रिएक्शन कराया 55 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस टेम्परेचर पे अल्कोहल जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, ये एल्डिहाइड वेपराइज हो जाएगा, तो वेपर एस्केप हो जाएगा। जैसे एस्केप होगा तो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर हो गया, तो फर्दर इसकी ओवर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, और ऐसा ना हो तो ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज करके, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर भी है, तो ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बॉइल करते हैं, इस रिएक्शन टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं समथिंग लिटिल हाइयर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बट लोअर देन द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ब्यूटेनॉल ले लूं, तो ब्यूटेनॉल ले लूं, नॉर्मल ब्यूटेनॉल 1234 नॉर्मल ब्यूटेनॉल, इसकी अगर बॉइलिंग पॉइंट देखी जाए तो 118 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है किसके कितने बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, आपको एक बार समझने के लिए सोलेट की अगर रिएक्शन दिया है तो आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि इस रिएक्शन में होना क्या है, कि एंड प्रोडक्ट आपको एल्डिहाइड करना है ना, एंड प्रोडक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड करना है। तो इसके ब्यूटेनॉल लिया, बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस, सेम रिएजेंट लेकर के हमने रिएक्शन कराया, ठीक है, और रिएक्शन कराया और टेम्परेचर हमने रखा 80 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि जो ब्यूटेनॉल बनेगा 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल जो बनेगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट है 76 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट 76 डिग्री सेल्सियस है, उससे थोड़ा हाईर टेम्परेचर रखेंगे रिएक्शन मिक्सचर में, तो आपको जो ब्यूटेनॉल मिल रहा है दैट विल एस्केप आउट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, सो वी कैन प्रिवेंट देम फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। इसलिए इसको रिएक्शन को डिस्टिलेशन फ्लास्क में किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड फर्दर, ये चीज कीटोन के साथ नहीं होता, एल्डिहाइड के साथ होता है। नेक्स्ट, कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड फर्दर अनलेस विगोरस कंडीशंस आर एम्प्लॉयड unless rigorous conditions are employed okay, ye tha by the use of potassium dichromate solution। So yaad rakhiye, potassium dichromate solution agar likha hai kahin bhi kisi structure mein, agar hamare paas primary alcohol hai aur temperature accordingly likha hua hai कि ऐसा टेम्परेचर जो 55 डिग्री सेल्सियस हो, 88 डिग्री सेल्सियस हो, और आपको पता है कि अगर ब्रांचिंग बढ़ता जाएगा तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट कम होती जाएगी, अगर ब्रांचिंग घटता जाएगा, लेंथ बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम ऐसा देखें तो प्रोपेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट 97 डिग्री सेल्सियस था, ब्यूटेनॉल एक कार्बन बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो अगर ब्रांचिंग बढ़ता जाए तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांचिंग कम हो, स्ट्रेट चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में बढ़ता जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, तो एज द लेंथ इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो हमें जो ऑप्शन है उसमें एल्डिहाइड चूज करना है या कीटोन चूज करना है या कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी है। अगर हमारे पास कीटोन बना है, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, केटोसीआर2-7 लिया है, तो हमें एंड प्रोडक्ट में कीटोन ही लिखना है जब तक कि नेक्स्ट ऑक्सीडाइजर यूज ना किया जाए। सो कीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इजिली अंटिल एंड अनलेस मोर विगरस कंडीशंस आर नॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट रिएजेंट के तौर पर लिखेंगे हम लोग जोन्स रिएजेंट बाय द यूज ऑफ जोन्स रिएजेंट Jones reagent, which is a dilute solution of chromic oxide CrO3. Dilute solution of chromic oxide CrO3 in dilute sulfuric acid and aqueous acetone solution. This reagent is called as
जोन श्रेयस, इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं, जोन श्रेयस, जोन श्रेयस। इट ऑक्सीडाइजेस, इट ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इट ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इट ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन एंड थ्री डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन, थ्री डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन। ओके, इसमें नोट लिख लिया जाए। इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, इट ऑल्सो ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। And then to carboxylic acid. Well, it oxidizes secondary alcohol. While it oxidizes secondary alcohol at 15 to 20 degrees Celsius in aqueous acetone solution. To corresponding ketone, to corresponding ketone, to corresponding ketone. Next point, it does not oxidize or it does not affect carbon to carbon multiple bond. It does not affect carbon to carbon multiple bond. अगर कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो तो इसको इफेक्ट नहीं करता है। सो डज नॉट अफेक्ट कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। प्रीवियस रिएजेंट में जो हम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लिए थे उसके प्रेजेंस में मल्टीपल बॉन्ड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है, लेकिन जोन्स रिएजेंट लें तो मल्टीपल बॉन्ड बचा रह जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, एल्डिहाइड में और फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस एल्डिहाइड को ना रिमूव किया जाए रिएक्शन मिक्सचर से तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ऑफ OH। इस केस में भी अगर एल्डिहाइड जो बना है उसको अगर एस्केप कर दें तो एल्डिहाइड के फॉर्म में रहे, और फर्दर अगर एस्केप ना करें और इस रिएक्शन मिक्सचर में रहे तो उसकी ओवर ऑक्सीडेशन होगी और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन कीटोन एज इट इज रहेगा। दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों के रिएजेंट में डिफरेंस ये है कि ये मल्टीपल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता और ये मल्टीपल बॉन्ड को इफेक्ट करता। तो कोई ऐसा सब्सट्रेट अगर दिया है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हमें रिटेन रखना है या चाहिए, तो मल्टीपल बॉन्ड रिटेन रखने के लिए हमें जोन्स रिएजेंट यूज करना चाहिए ओवर दिस डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो एक अल्कोहल ले लें हम एग्जाम्पल के तौर पर, लेट से हमारे पास OH है प्रोपेनॉल, इसको हमने जोन्स रिएजेंट सिंपली CrO3 लिखा होता, CrO3 डाइल्यूट H2SO4 एंड एक्वस एसीटोन सॉल्यूशन। ठीक है, एंड हीट ऐसा लिखा होता। इस केस में आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड OH, दिस इज एंड प्रोडक्ट, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज देयर एंड प्रोडक्ट। एसिड इज बीइंग फॉर्मड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये एंड प्रोडक्ट क्या होंगे इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस केस में फर्दर अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं और जोन्स रिएजेंट अप्लाई करूं तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में।
दिस विल बी कन्वर्टेड टू कीटोन. अगर मैं साइक्लिक सेकेंडरी एल्कोहल ले लूं साइक्लोहेक्सेनॉल, जोन्स रिएजेंट अप्लाई किया है तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेनोन. इस सब्सट्रेट में कहीं पर मान लो मल्टीपल बॉन्ड के तौर पे डबल बॉन्ड यूज कर दें तो डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा. लेकिन अगर इसको अगर हम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से यूज करें, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन K2Cr2/7 अगर यूज कर लें, K2Cr2/7 इन H2SO4 एंड हीट, तो ये डबल बॉन्ड भी ऑक्सीडाइज होंगे. देन फर्दर इट विल बी कीटोन एंड दिस बॉन्ड अंडरगो क्लीवेज, दिस बी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. दोनों में प्रोडक्ट में ये डिफरेंसेस आते हैं. इससे डबल बॉन्ड इफेक्टेड होता है और इससे डबल बॉन्ड इफेक्टेड नहीं होता. ठीक है, ओके. फर्दर अगर इसको ये अल्डिहाइड फर्दर अगर इसको रिएक्शन मिक्सचर में रखते ही जाए तो इसको अगर रिमूव ना करें ये फाइनली किसमें कन्वर्ट होगा? एसिड. तो फाइनली एसिड. सिर्फ आपको इतना रिएजेंट लिखा है तो आप क्या करेंगे? एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड. तो एंड प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. राइट, ओके. नेक्स्ट, बाय द यूज ऑफ कॉलिंस रिएजेंट एंड कोरीज रिएजेंट, बाय द यूज ऑफ कॉलिंस रिएजेंट एंड कोरीज रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट एंड कोरीज रिएजेंट, ओके. प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन. प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन. कॉलिंस रिएजेंट क्या है? कॉलिंस रिएजेंट बोल चुका हूं, बता चुका हूं, CrO3 इन पिरिडीन, कॉम्प्लेक्स ऑफ CrO3 इन पिरिडीन, दैट इज कॉल्ड एज कॉलिंस रिएजेंट. कोरीज रिएजेंट क्या है? कोरीज रिएजेंट इसको हम PCC बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. क्या बोलते हैं? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, C5H5NH+Cl-CrO4-. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोरीज रिएजेंट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. सिमिलरली पिरिडीनियम डाइक्रोमेट भी होते हैं, PDC जिसको बोलते हैं, PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, C5H5NH+Hol2Cr2O7. ठीक है, ये क्या है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, PDC. तो इसको चार्ज बैलेंस करके लिख लेंगे, इसमें नोट लिखे. दीज रिएजेंट्स आर यूज्ड इन मिथिलीन क्लोराइड सॉल्वेंट CH2Cl2. दीज रिएजेंट्स आर यूज्ड इन मिथिलीन क्लोराइड सॉल्वेंट CH2Cl2 एट 25 डिग्री सेल्सियस. At 25 degree Celsius.
नेक्स्ट दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट These are mild oxidizing agent which do not oxidize aldehyde to carboxylic acid further. Okay, next. Carbon to carbon multiple bond remains unaffected by the use of these reagents. Carbon to carbon multiple bond remains unaffected by the use of these reagents. Carbon to carbon multiple bond remains unaffected by the use of these reagents. इसका क्या यूज हुआ? अगर हमें चाहिए अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है तो K2Cr2 7 लेकर के हम यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां रिस्क है कि वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. जोन्स रिएजेंट यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो डेफिनेटली वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में. हमें चाहिए एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो फर्दर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज ना करे. तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड. एल्डिहाइड इज नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज फर्दर बाय द यूज ऑफ PCC, बाय द यूज ऑफ PDC और बाय द यूज ऑफ कॉलिंस रिएजेंट. ठीक है, तो PCC से हम ऐसा कर सकते हैं, PDC से कर सकते हैं, कॉलिंस रिएजेंट से कर सकते हैं. सेकेंडरी अल्कोहल तो एज यूजुअल उस केस में भी और इस केस में भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होना, कीटोन में होना. ठीक है, अगर कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कहीं पर है, अगर हमारे सब्सट्रेट में कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है तो कार्बन टू कार्बन मल्टीपल बॉन्ड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द यूज ऑफ दीज रिएजेंट. So C double bond OH and over here double bond 1, 2, 3, 4. So double bond as such रह गया. Okay, next reagent लिखा जाए. Next is MnO2. It selectively oxidizes allyl alcohol to alpha beta unsaturated aldehyde of ketones. Allyl alcohol to alpha beta unsaturated aldehyde of ketones. Allyl alcohol to alpha beta unsaturated aldehyde of ketones. Okay, allyl alcohol to alpha beta unsaturated aldehyde of ketones. It also oxidizes primary benzylic alcohol to benzaldehyde and secondary benzylic alcohol to ketone. देखो मतलब ये selectively oxidize करेगा allylic वाले alcohol को. Alkylic alcohol remains unaffected. So let's say we have this OH. अगर आप यहां पे MnO2 यूज करते हो जो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा? ये एल्डिहाइड. आपके पास लेट्स से वी हैव एलाइलिक एज वेल एज अल्काइलिक एल्कोहल. अगर आप MnO2 यूज करते हैं तो ये अल्काइलिक एल्कोहल बच जाएगा. ओनली एलाइलिक एल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज टू aldehyde. So allylic part is this and alkylic alcohol is this. So you'll have this product. Alright? A
इट्स नॉट माय लिटरेसी बाय द यूज ऑफ कॉलिंस रिएसेंट बाय द यूज ऑफ कॉलिंस रिएसेंट एसिड सेंसिटिव पार्ट लाइक epoxides and acetals are being oxidized एग्जाम्पल्स देखते हैं लोग रब कर दो इसको लेट्स से वी हैव बेंजाइलिक अल्कोहल और अगर मैं इसमें C5H5NH+ Cl- CrO3- ये यूज करूं इसको क्या बोलेंगे पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट सॉल्वेंट क्या लेंगे CH2Cl2 टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस इसमें अगर आप कॉलिंस रिएजेंट लेते हो CrO3 पिरिडीन तो क्या होगा इस केस में अगर हम MnO2 लें तो क्या होगा आपको कंप्लीट करना है क्या है ट्रांस सिनामाइल अल्कोहल इस ट्रांस सिनामाइल अल्कोहल में आप PCC ले लें CH2Cl2 25 डिग्री सेल्सियस प्रोडक्ट है
अगर इस केस में देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। ट्रांस सिनामल्डिहाइड। इस केस में आपने पीसीसी लिया, ट्रेडिसिल लिया, जो भी लिया, अगर आप पीसीसी लेते हैं, ये भी ऑक्सीडाइज और ये भी ऑक्सीडाइज, तो बनने वाला प्रोडक्ट यहां पे डबल बॉन्ड हो और ये एल्डिहाइड और ये सेकेंडरी अल्कोहल है कीटो। इस केस में अगर आपने लिया तो ये अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड टू कीटोन। दिस डबल बॉन्ड रिमेन्स अनइफेक्टेड, दिस विल बिकम कीटोन एंड देयर इज कीटोन एट दिस प्लेस। क्योंकि आपने सीआरओ थ्री पिरिडीन लिया है जो कॉलिंस रिएजेंट है, और कॉलिंस रिएजेंट लेते हैं एसिटल ग्रुप, ठीक है, एसिटल ग्रुप एंड इपॉक्साइड ग्रुप, दे गेट्स अफेक्टेड, दे गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, ये एसिटल है, नहीं ये एसिटल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से, दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, ये ग्रुप एसिटल तो है नहीं। एसिटल नहीं होगा तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इपॉक्साइड नहीं होगा तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप सीआरओ थ्री पिरिडीन लेकर के अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो इस केस में क्या होगा, ये टूटेगा और ये अल्कोहल, और ये अल्कोहल में तो वो अल्कोहल मतलब ये क्या बन जाएगा, कीटोन, और ये क्या बन जाएगा, कीटोन। इस केस में आओ इपॉक्साइड्स, तो अगर इपॉक्साइड लेते हैं, MnO2 यूज किया हमने, MnO2 यूज करेंगे तो इपॉक्साइड एज इट इज रह जाएगा, और ये अल्कोहल क्योंकि एलैलिक नहीं है, अल्काइलिक है, दिस विल रिमेन एज इट इज। एलैलिक अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, सो सेलेक्टिवली एलैलिक अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन्स। अगर आप पीसीसी पीडीसी ले रहे हो तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा। इन दोनों केस में अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, ये कीटोन, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे कीटोन, ये वाले पार्ट में आपने क्या किया, यहां पर OH, यहां पर OH, ये हाइड्रोलाइज हो गए, और ये अल्कोहल था, अल्कोहल फर्दर गेट्स ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कीटोन, टू करस्पॉन्डिंग कीटोन। कॉपी कर ले रहे, ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट बाय ओपेनहेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओपेनहेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये ओपेनहेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है, यूजुअली दिस इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम लें, सेकेंडरी अल्कोहल,
gets converted to ketone. Secondary alcohol gets converted to ketone. ठीक है, so देखिए secondary alcohol when treated with aluminium tertiary butoxide, in presence of large excess of acetone or ketone, it forms corresponding aldehyde. On the expense of reduction of acetone to or ketone to alcohol, कैसे? लेट्स से हमारे पास कोई भी सेकेंडरी कीटोन है, सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके साथ अगर हमने कीटोन लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, हमें ये समझना है कि वो कहां पर क्या हो रहा है, तो हमने यहां पे CD3 लिख दिया, ये अल्कोहल है हमारा और ये कीटोन है, इसको एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के तौर पे ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम ले लिया, दिस इज व्हाट दिस एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. अब इस केस में क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा इस कार्बन को और ये लोन पेयर यहां पर, ये ओ यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 सी, ये हो जाएगा OH, CH3 और H. This group is converted to CD3, C double bond O, CD3. So this is converted to ketone. But this ketone, which was solvent, it gets converted to corresponding alcohol. And this reaction is called as Oppenheimer oxidation reaction. यहां पर नोट लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड टू ऑक्सीडाइज, अनसैचुरेटेड सेकेंडरी अल्कोहल्स, to corresponding ketone, because their carbon to carbon multiple bond remains unaffected, लेट्स हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इस केस में अगर हमने राइट एसीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एज ए सॉल्वेंट एंड ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम लिया एज ए कैटलिस्ट, सो दिस ग्रुप इज कन्वर्टेड टू कीटोन, मल्टीपल बॉन्ड रिमेन्स एज इट इज, दिस विल बी CH3 COH H and CH3. Next point, unsaturated primary alcohols can also be converted to corresponding aldehyde. Unsaturated primary alcohols can also be converted to corresponding aldehyde
corresponding aldehyde if acetone is replaced by para-benzoquinone. If acetone is replaced by para-benzoquinone, अगर वहां पे acetone के बदले para-benzoquinone ले लिया जाए तो फिर मान लो कि हमारे पास alcohol है unsaturated over here H and H. Okay? This is alpha, beta. This is beta and gamma. ठीक है? इसको अगर हम लोग क्या करें, पैरा बेंजो क्विनोन के प्रेजेंस में एसिटोन को हटा के क्या यूज करें, पैरा बेंजो क्विनोन एंड ट्राई टर्शियरी डिटॉक्सी एल्युमिनियम. तो दिस गेट्स कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड डबल बॉन्ड ओवर हियर डबल बॉन्ड ओ एच. तो ये प्राइमरी एल्डिहाइड भी हो सकता है. याद रखेंगे वहां पे एसिटोन है ना, क्या है, अगर पैरा एसिटोन को रिप्लेस कर दिया जाए पैरा बेंजोक्विनोन से तो ये कन्वर्ट हो जाता है करस्पॉन्डिंग राइट अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. नेक्स्ट, तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड सेकेंडरी एल्कोहल बीटा गामा अनसैचुरेटेड सेकेंडरी एल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स गेट्स कन्वर्टेड टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स गेट्स कन्वर्टेड टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स. Let's say we have OH at this place double bond. Okay, so ये carbon alpha beta gamma. तो अगर हम इसको oxidize कराएं, ठीक है, इसको अगर हम oxidize करा दें किससे, acetone CH3 से डबल बॉन्ड हो CH3 ट्राई ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम. मतलब अगर इसकी ओपनर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा, तो डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होगा प्रोडक्ट में एंड देन इट फॉर्म्स लाइक दिस. अगर ये अल्फा और ये बीटा है तो इस केस में OH ग्रुप यहां पर और ये डबल बॉन्ड यहां. ये OH gets converted to corresponding ketone. Okay, all right. Next is by the catalytic dehydrogenation of alcohol. By the catalytic dehydrogenation of alcohol. By the catalytic dehydrogenation of alcohol. Dehydrogenation of alcohol. इस केस में प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप हीट करें रेड हॉट कॉपर ट्यूब पे 300 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड. सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आप हीट करें क्या मिलेगा, कीटोन. थ्री डिग्री अल्कोहल को अगर आप हीट करेंगे क्या मिलेगा, अल्कीन. अब इस अल्कीन को अगर ऑक्सीडाइजर डाल दें तो ये क्या एल्डिहाइड कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाए. ये रिएक्शन आपने देखा होगा अल्कोहल्स में. सपोज हमारे पास प्रोपेनॉल है, कॉपर लिया 300 डिग्री सेल्सियस पे
तो ये क्या बन जाएगा प्रोपेनल। अगर हमारे पास टू प्रोपेनॉल है ये क्या बन जाएगा प्रोपेनॉन कीटोन। अगर हमने अल्कोहल लिया टर्शियरी ब्यूटेनॉल रेड हॉट कॉपर ट्यूब में हीट किया क्या बन जाएगा अल्कीन। नेक्स्ट बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन ठीक है। कैसा ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होगा अगर आप अल्कीन लेते हैं और इसको ओजोनोलाइज कराते हैं O3 जिंक वाटर के प्रेजेंस में एंड अराउंड कूल टेम्परेचर पे अराउंड लोअर टेम्परेचर पे इनफैक्ट -80 डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हैं इसके लिए। सो अगर आप इसके रिएक्शन कराएं वेरी लेस टेम्परेचर पे कूलिंग कंडीशंस पर -80 डिग्री सेल्सियस पे तो रिएक्शन क्या होगा ये डबल बॉन्ड टूटेगा। आपको मैकेनिज्म मोस्टली किया जा चुका है ये डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ। तो ये जो डबल बॉन्ड टूटा ये दो बॉन्ड आपने तोड़ दिया और डबल बॉन्ड ओ बनाया दैट इज एल्डिहाइड हो सकता है कीटोन हो सकता है। डिपेंड करता है कि अल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा है डिपेंड करता है अल्कीन का स्ट्रक्चर कैसा है। पहले डिपेंड कर रहा था कि उस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और इसमें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया है O3 तो O3 के प्रेजेंस में क्या होगा और एल्डिहाइड बनेगा ना कीटोन बनेगा ये डिपेंड करता है अल्कीन और अल्काइन का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर मान लो हमने इसकी मैकेनिज्म देखें अगर इसमें मैकेनिज्म देखें तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और O3 जिसको हम लिख सकते हैं O3 को इसको O डबल बॉन्ड O ये सिंगल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें ये प्लस और ये माइनस ठीक है तो ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और इस O3 का स्ट्रक्चर हम लोग कन्वीनियंस के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक है। O3 की स्ट्रक्चर जो भी आप लिख रहे हो लेट्स से हमने ये स्ट्रक्चर लिखा तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा तो ये बॉन्ड पेयर यहां माइग्रेट करेगा ये बॉन्ड पेयर यहां माइग्रेट करेगा और ये बॉन्ड पेयर यहां माइग्रेट करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ओवर हियर ऑक्सीजन 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 तीन ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे मोलो ओजोनाइड ओजोनाइड। अब ये मोलो ओजोनाइड में फर्दर क्योंकि ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन से कैटेनेटेड है दैट रिमेन अनस्टेबल ये बॉन्ड ट्रांसफर तो ये बॉन्ड यहां टूटेगा तो ये बनेगा क्या सी ये वाली स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड हो प्लस ये वाला स्ट्रक्चर कैसा सी इस केस में ओ ओ माइनस ऐसा ये माइनस इस कार्बन को अप्रोच करेगा ये बॉन्ड ट्रांसफर टू दिस प्लेस दिस स्ट्रक्चर विल बिकम सी ओ माइनस ठीक है। ये देखो तीन है तो यहां पे ये प्लस है ये वाला स्ट्रक्चर कैसा ये आप सुन देखिए जगह नहीं हो रहा
उठा कैसे सी ओवर ईयर ओ दैट इज ओ माइनस प्लस और ये बॉन्ड टूटा है ये प्लस है स्ट्रक्चर में सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा फर्दर ये क्या होगा इस पर गया ये बॉन्ड ट्रांसफर्ड दिस विल बिकम लाइक दिस ओ ओ अटैच टू दिस कार्बन ओवर हियर देयर इज ओ माइनस दिस कार्बन इज प्लस ओ माइनस अप्रोचेस टू दिस कार्बन दिस बॉन्ड इज सी ओ सी ओ लाइक दिस This structure is ozonide. Okay. This is treated with zinc water. Then, of course, if it is treated with zinc water, this bond is transferred. This bond is transferred. Okay. This bond is transferred. See, क्या हो गया? Carbon डबल बॉन्ड ओ प्लस कार्बन डबल बॉन्ड ओ कॉपी कर लिया जाए अब मान लो हमारे पास अल्कीन का स्ट्रक्चर ऐसा है हमने क्या किया अल्टीमेटली कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ा है तो हमारे पास लिखा होगा O3 जिंक वाटर माइनस 80 डिग्री सेल्सियस और पूछा जाएगा प्रोडक्ट क्या हो लेट्स से अनदर एग्जांपल O3 जिंक वाटर सेम रिएक्शन अनदर एग्जांपल
ओके ऑलराइट, ये आप कर लेंगे ना, मैं कर दूं, चलो मैं कर देता हूं। इसमें आप क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट डबल बॉन्ड हो प्लस ये सी डबल बॉन्ड हो रादर एच टू। यहां से आप क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ प्लस डबल बॉन्ड ओ। इस केस में भी हमें दो बॉन्ड तोड़ना है तो दोनों पाई बॉन्ड टूटेगा और यहां पे डबल बॉन्ड ओ, यहां पे डबल बॉन्ड। इस केस में भी आप इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड ओ ऐसा। इस केस में भी क्या करेंगे आप, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसको दो पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, ऐसा। इस केस में ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। इस केस में आप ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग तो फिर देखते हैं आफ्टर दिस ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।